आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ और मैं हूं वसीम गुत्तू। इस वक्त हम ठीक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के मेकशिफ्ट कैंपस के बिल्कुल बाहर हैं और कुछ MBBS के स्टूडेंट जो है सड़कों पे उतर आए हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या इनकी डिमांड्स है और क्यों ये सड़कों पे उतर आए हैं। आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम जाफर फिरदौस भट्ट है। और मैं बताएं क्या डिमांड्स है आपकी, क्यों सड़कों पे उतर आए हैं? सर, हमारा जो आज प्रोटेस्ट करने का ये है सर, मकसद है वो यही है कि सर जो सर यहाँ से सेंटर से आए हैं ऑल इंडिया कोटा सर जो इसमें पार्टिसिपेट करेगा JNK सर, उसकी वजह से हमारा 50% सीट्स सर PG चली जाएंगे सर ऑल इंडिया कोटा में सर, उसके अगेंस्ट हम सर यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर ये कोटा आ जाता है, इस तरह भी हम देखते हैं कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हमारा जो यहाँ पे भी पेशेंट्स को काफी दिक्कत आती है, फैसिलिटीज पूरी नहीं मिलती है, तो क्या समझते हैं आप अगर ये कोटा आ जाता है कितना नुकसान आपके लिए होगा? सर, मैं एक्सटेंड में बता सकता हूँ सर, अगर ये हो गया सर विद इन ईयर्स सर JNK का हेल्थ सिस्टम इट विल सर कोलैप्स कम्प्लीटली सर, बिकॉज सर अगर यहाँ पे अभी 472 सीट्स दी गई है सर, उसमें हाफ सर AIQ के लिए दी जाएगी और सर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के सर सीट्स उनको मिली जाएंगे सर, बड़ी फ्री में जाएगा कौन सर? डॉक्टर्स अभी सर 472 डॉक्टर्स होने के बावजूद भी सर सर इतना आवाम सर कॉमन पीपल इतना सर क्या सफर कर रही है सर, जब हाफ ही इसका सीट्स रहेगा तो कितना सफर करना पड़ेगा सर? इसके बाद सर अगर वो वहाँ से आएंगे भी सर, वो यहाँ पे ट्रीट करेंगे लेकिन कम्युनिकेशन गैप रहेगी सर। सर हमारे हमें एटिकॉम सिखाया जाता है जो कि इंट्रोड्यूस नया सर इन्होंने किया है एकेडमिक्स सर, जो कि रेफर करता है सर वो एथिक्स एटीट्यूड एंड कम्युनिकेशन सर, ये तीन चीज़ें रहेंगी कहाँ पे फिर? अगर बाहर का कोई बंदा सर मराठी बोलता है या कोई और लैंग्वेज बोलता है सर, यहाँ का बंदा सर डिडंट नो द ABC ऑफ एनी अदर लैंग्वेज सर, वो कैसे उसके साथ ट्रीट करेगा? अभी आपने कुछ देखा ही नहीं, मसा आपने क्लासेस ली है, सड़कों पर उतर आना पड़ा, क्या LG एडमिनिस्ट्रेशन को अपील करेंगे? सर पहले सर जो हम मकसद जो था सर वो हम देख पा रहे हैं सर, इसका फ्यूचर का इफेक्ट हमें सर नजर आता है क्योंकि सर 472 सीट्स में सर अभी हमारे प्रेजेंट जो सीट था ना UG से सर, UG से इसको ट्रांसफॉर्मेशन किया गया फ्रॉम 400 टू द 1100 सर इन रिसेंट ईयर सर, उसमें सर 1500 तक भी चला जा सकता क्योंकि अभी तो मेडिकल कॉलेज सर पेंडिंग है सर, बाहर से जाते हैं फॉरन मेडिकल ग्रेजुएट्स वो भी सर 5-800 आता है सर, नेट जो मर रहा है 2200 तक बन रहे सर, उसके लिए सर क्लिनिकल जो सीट्स है सर 100-150 सीट्स बच रहे सर, कैसे एक्सपेक्ट करेंगे वी विल कम्पीट फॉर दिस 100-150 सीट्स सर, इतना सारा पॉपुलेशन सर, हम इतने 150 जो सिलेक्ट होंगे MD के लिए सर जो स्पेशलिस्ट बनेंगे, ये कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वी विल ट्रीट या वी विल सर दिस क्योर ऑल द पेशेंट सर ऑल द पीपल जो कि 60 मिलियन पीपल पॉपुलेशन है अभी JNK का सर? मुझे लगता है सर इससे हेल्थ केयर सिस्टम तो सर पूरा खत्म हो जाएगा सर, नया प्लान इनका चल रहा है मेडिकल कॉलेज इंक्रीज कराओ सर, मेडिकल कॉलेज इंक्रीज कराएंगे तो रेजिडेंट्स लाएंगे कहां से सर? खाली सर जो अगर बनेंगे 100 का तो दावा है बेरोजगारी हम खत्म करेंगे, अगर इस तरह के कानून आएंगे क्या लगता है आपको बेरोजगारी खत्म हो सकती है? सर यही बताना चाहेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट सर विल सर टच द स्काई, बिकॉज अगर हम MBBS सर अभी सर 2,000-2,500 सर स्टूडेंट्स MBBS का वर्क करेंगे, 100 सीट्स है सर, 2,400 स्टूडेंट फर्स्ट ईयर का सर मैं इफेक्ट दिखा रहा हूँ, 2,400 स्टूडेंट्स कहाँ जाएंगे? सेकंड ईयर में तो उससे ज्यादा होगा, 4,900 स्टूडेंट्स कहाँ जाएंगे सर? थर्ड ईयर में और कितने बनेंगे सर? आप सर खुद समझ सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट कितना है। बच्चे हमारे साथ इनसे बात करते हैं, आपका नाम? सर मेरा नाम आबिद मुश्ताक है, हम GMC डोडा के MBBS स्टूडेंट। सर हमारी डिमांड तो यही है कि जो रिसेंटली ऑर्डर आया है कि जम्मू कश्मीर जो है ऑल इंडिया कोटा पूल में 50% PG सीट्स देने वाला है, और उसमें जो सर हमारी सिक्किम्स की 100% सीट जो है वो जाने वाली है और GMC जम्मू GMC श्रीनगर की 50% सीट जो जाने वाली है, तो इससे क्या पहले इफेक्ट हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पे पड़ता है, क्योंकि अगर यहाँ पे आउटसाइडर्स आएंगे यहाँ पे PG करने 3 साल के लिए, वो यहाँ पे PG करेंगे तो उसके बाद वो तो वापस चले जाएंगे, उनका एक अच्छा प्लेटफॉर्म बाहर मिल जाएगा, तो इससे क्या होगा यहाँ पे स्पेशलिस्ट्स की जो है वो यहाँ पे कमी हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे करंटली 472 सीट्स है, अगर उसमें हम 50% कोटा दें हमारे पास अराउंड 150 सीट्स बचती है, तो लोकल्स यहाँ पे 150 सीट्स डॉक्टर्स यहाँ पे अवेलेबल होंगे और पॉपुलेशन 16 मिलियन यहाँ पे है, और कैसे 16 मिलियन पॉपुलेशन को? क्या उम्मीद रखी थी आपने, क्या सोचा था कभी क्या इस तरह का ऑर्डर आएगा और इस तरह की दिक्कतें हमें झेलनी पड़ेंगी? नहीं सर, इस तरह से नहीं देखा था, अगर ऐसे ऑर्डर्स आएंगे NHA जिसमें मतलब आवाम का भी फ़ायदा हो, स्टूडेंट्स का भी फ़ायदा हो, स्पेशलिस्ट का भी फ़ायदा हो, मतलब सबका फ़ायदा, हेल्थ केयर सिस्टम जिससे ग्रो करे, क्योंकि अगर देखा जाए तो इससे तो बहुत ही बड़ा डिज़ास्टर आने वाला है, अगर आपको लगता है कि इससे कुछ फ़ायदा होने वाला है तो आप अच्छी तरह से जो भी बड़े बड़े स्पेशलिस्ट हैं, बड़े बड़े नामवार हैं, उनके साथ आप बैठ के इस पर गौर फोर फरमाए और देखिए। आपका पढ़ाई का टाइम है, अभी आप सड़कों पे हैं,
जी सर वो तो ठीक है, अब भाई हमारे पढ़ाई का टाइम है वो तो सच है, लेकिन आने वाले फ्यूचर में हमारा भी इसमें रोल है, हमारे फ्यूचर सिक्योर करने वाला है, क्योंकि हम हेल्थ से रिलेटेड है, हमारा काम है हेल्थ प्रोटेक्ट करना, सोसाइटी को बचाना, ये हमारा काम है, क्योंकि पढ़ने के साथ साथ ये भी हमारा काम है, हम इसी के लिए काम पढ़ रहे हैं। ताकि मैं क्या बताना चाहूँगा LG एडमिनिस्ट्रेशन को? सर हम LG साहब से यही उम्मीद करना चाहते हैं कि इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट ना करें, ताकि हमारा जो हेल्थ केयर सेक्टर है वो अच्छी तरह से ग्रो करे, क्योंकि हमारा जो हेल्थ केयर सेक्टर है वो अभी फिलहाल अच्छी तरह से नहीं है, क्योंकि हमें जो है ध्यान देना चाहिए हेल्थ केयर सिस्टम पे, तो उसको हम अच्छी तरह से ग्रो करें और अच्छी तरह से सुधारें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कुछ MBBS के स्टूडेंट हमसे बात कर रहे थे, जो साफ तौर पर आपने सुना कि किस तरह की डिमांड से जो ऑर्डर आया है, उस ऑर्डर को किस तरह से बताना चाहते हैं कि वो ऑर्डर हमारे लिए सही नहीं है। अब देखना ये होगा कि LG एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह का कदम उठाती है। आप देखते रहे गुलिस्तान, वसीम गुत्तू, डोडा। नहीं चलेगी।